पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार रोमांच देखने को मिला। जब जब ये टीमें आमने सामने होती हैं, तब रोमांच का अलग अंदाज देखने को मिलता है। श्रीलंका में खेले जा रहे इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 50 ओवर खेलकर 5 विकेट के नुकसान पर 300 बना डाले। लक्ष्य का पीछा कर रही पाकिस्तान की टीम ने 49 ओवर में 290 रन बना लिए, लेकिन रोमांच कहां थमने वाला था। मैच के आखिरी ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आखिरी ओवर फजलक फारकी ने किया। ओवर की शुरुआत में नॉन स्ट्राइक पर खड़े शादाब खान केंद्र फेंकने से पहले ही अपनी क्रीज छोड़कर आगे निकले और फारकी ने उन्हें मंकडिन आउट कर दिया। शादाब खान के आउट होने के साथ ही मैच में अफगानिस्तान की वापसी हो गई, लेकिन अंत में पाकिस्तान ने नशीम शाह के चौकी की मदद से एक गेंद शेष रहते ही मुकाबला जीत लिया। लेकिन मैच के खत्म होने के बाद बाबर आजम के चेहरे पर शादाब खान को इस तरह से आउट करने पर गुस्सा साफ नजर आया। गौरतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम जब भी क्रिकेट मैदान में आमने सामने होती है, तब मुकाबले का अलग ही रोमांच देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ दोनों टीमों के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में देखने को मिला। इस मैच में 301 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही पाकिस्तानी टीम ने 49 ओवर तक 290 रन बना लिए थे। इसके आखिरी ओवर की शुरुआत होते ही कुछ ऐसा घटा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े शादाब खान गेंद फेंके जाने से पहले अपनी क्रीज को छोड़कर आगे निकल गए और अफगान गेंदबाज फजलक फारकी ने मंकडिन आउट कर दिया। शादाब के अहम समय पर आउट होने के बाद मैच जरूर काफी रोमांचक हो गया, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने अंत में मुकाबले को एक गेंद शेष रहते हुए एक विकेट से अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने शादाब खान को इस तरह से आउट किए जाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। बाबर आजम जब मैच खत्म होने के बाद मैदान पर हाथ मिलाने के लिए बाकी टीम के खिलाड़ियों के साथ आए, तो उनके चेहरे पर गुस्सा साफ तौर पर नजर आया। इस दौरान जब वे अफगानिस्तान के अनुभवी खिलाड़ी मोहम्मद नवी के पास पहुंचे, तो उनसे गुस्से का इजहार करते हुए दिखे और उन्हें इशारों में कुछ समझाया भी। इस मुकाबले को लेकर बात की जाए तो पाकिस्तान टीम का लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय काफी आसानी से मैच को अपने नाम करते हुए दिख रही थी। 170 के स्कोर तक टीम ने सिर्फ एक विकेट गवाया था, लेकिन 211 के स्कोर तक पाकिस्तान टीम के 6 विकेट गिर जाने से मैच काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच गया था। हालांकि अंत में टीम ने नसीम शाह की 5 गेंदों में 10 रनों की नाबाद पारी के दम पर जीत हासिल की। वहीं सीरीज के पहले मुकाबले में खाता नहीं खोलने वाले पाक कप्तान बाबर आजम के बल्ले से इस मैच में 53 रनों की पारी भी देखने को मिली।